Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all in my regular classes and that is a platform Wi-Fi Study CSINN. So guys, I am your mentor Dr. Amit Kumar Sharma and my referral code is AmitS10. AmitS10, sir, why are you telling us your referral code? I am telling you this advantage. I am going to tell you what is the advantage. ठीक है, और आप है मेरी रेगुलर क्लास में. रेगुलर क्लास में आप जानते हैं मैं कुछ ना कुछ नया नया टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ जिसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है सीएसआईआर एग्जाम के लिए. सो यहाँ हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की. अदर क्लासेस फर्स्ट वन इज अ रेगुलर क्लास जिसमें है आप, और एवरीडे जो होती है किस समय, 7 बजे मंडे टू फ्राइडे. क्या प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म. ओके, सो यू कैन सी ऑल सच टाइप ऑफ द डिटेल्स. दैट मींस वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट क्या है सर? ये आप यूट्यूब पे जाइएगा. यूट्यूब पे जाने के बाद आप देखेंगे वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट लिखिएगा और एंटर कीजिएगा. एक चैनल का नाम आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा. वहां जाने के बाद आप देखेंगे जो भी आपको एजुकेटर्स को सर्च करना है किसी भी डिसिप्लिन में वो वहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीएसआईआर नेट वाले जितने भी एजुकेटर हैं उनकी सबकी डिटेल है. जैसे कि आप मेरा सर्च करना चाहें कि उनकी कौन कौन सी वीडियो आए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, पूरी की पूरी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी. नाउ देन, सुपर क्वेश्चन सीरीज. सेकेंड क्लास इज अ सुपर क्वेश्चन सीरीज जिसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, और क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मतलब सिर्फ यहां होता है कि हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. सो थॉट कैसे डेवलप हो, ये यहां पर्पस होता है. ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वन, दिस क्लास. सो प्लेटफॉर्म क्या है सर इसका, और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग की बात करें तो 12 नून पर होता है, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ. सो द नेक्स्ट वन इज द प्लस क्लासेस, और स्पेशल क्लास भी होती है भाई, मेरी एक स्पेशल क्लास भी होती है. मैं लिख देता हूं यहाँ स्पेशल क्लास. तो स्पेशल क्लास के अंदर क्या है? स्पेशल क्लास होती है मेरी 9:30 PM पर एवरीडे. ओके, एवरीडे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं 9:30, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता हूं, उनकी टेक्निक्स ट्रिक्स, ईच टाइप ऑफ द ऑप्शंस जो भी हमें गिवन है उसके ऊपर हमारा फोकस करना इस क्लास के अंदर पर्पस है. आप लोगों को एनालिसिस करना, दैट मीन्स व्हेन एवर आई विल यूज ए पोल, तो एनालाइज करता हूँ कि कितने लोग करेक्ट जा रहे हैं और कितने लोग रॉन्ग जा रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो द पर्पज ऑफ दिस क्लास. सो दैट मीन्स हमें ये पता लगता है कि भाई हम कितने पानी में हैं. सो इस क्लास का सबसे मेन पर्पज ये होता है. सो दैट इज अ थिंग. उसके बाद होती है प्लस क्लासेस ऑन, जो कि मेरी अगस्त से शुरू हो चुकी हैं. ओके, 22 अगस्त से. सो 22 अगस्त से हमने स्टार्ट कर दी है. उसमें फाउंडेशन का कोर्स भी पूरा कंप्लीट कर चुका हूं मैं, और प्लेटफॉर्म होता है उसका प्लस. सो दैट मींस फाउंडेशन वाला कोर्स कंप्लीट किया है, दैट मींस बेसिक. सो हमारे कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिक बना दिया है उसके अंदर. आप अगर प्लस कोर्स को लेते हैं तो आपको जब अपने जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर, सो क्योंकि ये क्लासेस आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही देख सकते हैं, तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप मेरी वो सारी क्लासेस एक्सेस कर सकेंगे. ये तो आपको फ्रीली मिल जा रही है. इसके बाद जो इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, इसमें कंसेप्ट सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी. सो दैट मीन्स इस क्लास का हमें ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि हम पूरे कंसेप्ट को भी यहाँ जान के चलते हैं. सो ये बातें तो रही इसकी कि भाई प्लस क्लासेस की, प्लस क्लासेस लेकिन हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं. सो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा. देखिए भाई, आपको क्या करना होगा प्लस क्लासेस के लिए? प्लस क्लासेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है. सो व्हाट इज दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप? प्ले स्टोर में जाएंगे. कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? प्ले स्टोर में जाइएगा अपने मोबाइल के, और आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा. जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, यू विल रीच टू द कैटेगरी ऑफ नेट एग्जामिनेशन CSIR UGC नेट पे क्लिक कीजिएगा, और लैंग्वेज चूज कीजिएगा हिंदी. जैसे ही आपने ये चूज किया, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन. तो भाई गेट सब्सक्रिप्शन पे भी हमने क्लिक कर दिया. तो जैसे ही हमें गेट सब्सक्रिप्शन का बटन हमने क्लिक किया, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे? हम मूव कर जाएंगे इस पेज पर जिसपे हमें सब्सक्रिप्शन का डिटेल है, जिसमें हमें लिखा हुआ है कितने मंथ के लिए हमें कितना पेमेंट देना होता है. सो यू कैन सी हियर 24 मंथ्स के लिए हमें कितना देना है अमाउंट? सिर्फ 16,800 रुपये. भाई 24 महीने और सिर्फ 16,800 रुपये, और मिलने वाला क्या है? हमें सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, टीचर्स के क्लासेस सबके एक्सेस कर सकते हो.
आप डाउट सेशन अटेंड कर सकते हो जितना चाहे उतने, नो लिमिटेशन की अब ये नहीं इतना कि आपने इतना, वो सब चीजें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, सो दीज आर द थिंग्स जो हमें यहाँ बेनिफिट देती हैं, सो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं भाई हम 12 मंथ की। सो 12 मंथ मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी तैयारी है, सो दैट मीन्स वो भी बेस्ट होते हैं, और अपना आराम से इसको कीजिए, आपके पास सफिशियंट टाइम होगा, 6 महीने में आप एग्जाम निकाल देंगे, लेकिन जो आगे का टाइम होगा उसमें और भी नॉलेज गेन कर पाएंगे। सो दैट इज अ थिंग कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लें इसको, ठीक है। रही बात 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ की, देखो भाई जितना अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है ना उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि 12 मंथ वाला ज़्यादा अच्छा है और 6 मंथ वाला, सॉरी 24 मंथ वाला सबसे बेस्ट है, बिकॉज एमएससी वालों के लिए तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि 24 मंथ वाला ही है, लेकिन अदर्स के लिए मैं कहूँगा 12 मंथ वाले में, और आप देखेंगे 6 मंथ वाले में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको कहो, आप देखो 6 मंथ के लिए आप अप्रोच कर रहे हो क्या 9,450 रुपये, लेकिन आप अगर 10,395 रुपये देते हैं तो आपको 12 महीने आपको एक्सेस कर सकते हो आप सारे एजुकेटर्स को। सो दैट इज अ टू गुड। सो 12 मंथ का लेने में फायदा है रदर देन द 6 मंथ, क्योंकि ये आपको कैसे रिड्यूस हो गए, इसमें नीचे तो अलग लिखा हुआ था क्योंकि आपने यूज किया था रेफरल कोड। क्या रेफरल कोड? अमित एस10 आपने रेफरल कोड यूज कर लिया था, तो आपने इसका एडवांटेज लिया था जी, इसलिए आपके पैसे कितने हो गए 10,300। तो 1,000 के डिफरेंस में, 1,000 से भी कम डिफरेंस में हमें क्या हो रहा है, हमें तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, तो बेटर यही है कि हम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो मिनिमम ले ही लें। तो ये बातें हुई हमारी सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे क्लासेस के बारे में, मेरे बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो द टॉपिक इज एनालिटिक फंक्शन। भाई ये एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, एनालिसिटी से क्या मतलब होता है, इसके बारे में आप देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, लेकिन एनालिटिक की बात का मतलब आता है हमारे मन में सबसे पहले कि भाई एनालिटिक यानी कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे और उनके नेबरहुड्स में भी, इन सब चीज़ों की बातों को करते हैं एनालिटिक के लिए। सो चलिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। सो लिखिएगा फॉर्मल डेफिनेशन, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या होता है। आप जानते हैं बहुत सारी चीजें, फंक्शन मेरा एफ जेड है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लिखिएगा ओके द फॉर्मल डेफिनेशन, लिखिएगा इफ ए फंक्शन एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड, if a function is single valued in some domain D, in domain D, then the derivative of the function, fz at a point z is equal to a is denoted by f dash a and is defined as कैसे डिफाइंड होता है उसको भी देख लेते हैं। डिफाइंड एज f dash at a is equal to f a plus h minus f a upon h and limit h tends to 0 provided that the limit exists, provided that the limit exist and is independent of the path along which h is tending to zero.
सो अब आप नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको पॉइंट पे क्या क्या बात की है। भाई हम डिफरेंट एनालिटिसिटी की तरफ अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं और मैंने आपको रफ मीनिंग बताया एनालिटिसिटी का, यानी कि जो मेरा फंक्शन है पॉइंट पे उसके नेबरहुड में उस सारी जगह डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स डिफरेंशियबल है। तब हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन था इसमें मेरा फंक्शन एनालिटिक है। ओके, सो डेरिवेटिव की हमने बात किया कि हमने कहा कि इफ फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड, देखिए जो भी हम बातें करने जा रहे हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सिंगल वैल्यूड, बट ये अंडरस्टूड होना चाहिए जो भी हम बातें करने जा रहे हैं हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए बात करने जा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूड के लिए नहीं। जहां मल्टीपल होगा वहां मैं स्पेसिफिक भी करूंगा। सो दैट मीन्स द फंक्शन एफ जेड इज फर्स्ट टू सिंगल वैल्यूड है। ओके, तब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव जो फंक्शन का होगा किसी पॉइंट पे उसको हम एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट से। मान लिया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डोमेन था ये, इस तरीके का कोई डोमेन था, ठीक है, दैट इज अ सर्किल, सो दिस इज द डोमेन मैंने मान लिया। सो इसके अंदर कोई मेरा ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। तो फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू मैं यहाँ पर निकालने के लिए आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, व्हाट इज दैट लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिमिट एग्जिस्ट होनी जरूरी है। आप लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे देखते हो, आप जानते थे जब भी हम अप्रोच करते हैं किसी नंबर की तरफ, दैट मीन्स मैंने कहा जो भी पॉइंट है मेरे पास, अगर मैं पहुंच रहा हूं, अब यहां पर हमारे पास जब हम रियल में थे तो हमारे पास सिर्फ दो ही वे थे पहुंचने के लिए, व्हाट वाज द टू वे, या तो हम लेफ्ट से जा सकते थे उस पॉइंट के पास या फिर राइट से। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारे पास इस पॉइंट ए के पास पहुंचने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है, हम कहीं से भी इस पॉइंट के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, तो चारों तरफ भी है। सो दैट मीन्स हमें हर अलोंग एवरी पाथ ये चेक करना होगा कि लिमिटिंग जो वैल्यू आ रही है, हमने अलोंग एक्स एक्सिस देख लिया, सॉरी रियल एक्सिस देख लिया, इमेजिनरी एक्सिस देख लिया, सो और अलोंग एनी पाथ देख लिया, तो तब हम कहते हैं कि अगर वैल्यूज इक्वल है तो लिमिट एक्जिस्ट है। यहाँ पर वहां तो सिर्फ दो ही वैल्यू को देखना था हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को, और बोल देना था कि हमारे फंक्शन की डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट हो गया कि अगर वैल्यूज इक्वल हो गई दो साइड में। बट यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट पाथ होने की वजह से हम सब बोलते हैं अलोंग एनी पाथ, देखा, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग व्हिच एज इज टेंडिंग टू जीरो। सो दैट मींस मैंने जो भी पाथ लिया उसके अंदर, मैंने फॉर एग्जांपल कोई कर्व ले लिया y इज इक्वल टू mx, मैंने क्लाइन ले ली y इज इक्वल टू mx, सो देन व्हाट मींस व्हेनेवर आई एम गोइंग टू पुट y इज इक्वल टू mx एंड x टेंडिंग टू द व्हाटएवर वैल्यू जिस पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सो व्हाट हैपन विद दिस, तो उसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द m, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स। तो हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, सिर्फ इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है, व्हाट इज दिस द फॉर्मूला, मैं जब उसको हाईलाइट कर देता हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कहाँ तक, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट तक, ओके दिस इज द वे, यहाँ तक आपको याद रखना होगा। सो ये तो हो गई भाई डेरिवेटिव की बात। सर इससे हम क्या कहते हैं, ओके एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी नॉट कन्वर्सली, जैसा कि आपने रियल में भी देखा था, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ वाली चीज़ें यहाँ पे भी अपनी इम्प्लीमेंट होती हैं, उसी का ही हमने जो आपका रियल नंबर्स थे उसी तो हमने एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर में ले गए हैं ना, सो वो वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाउन, यू मे राइट अ नोट, व्हाट इज द नोट, यू कैन राइट डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज Differentiability implies continuity, but the converse is, not true, converse true नहीं है भाई, ठीक है, तो इसको आप माइंड में डाल लीजिएगा। डेरिवेटिव क्लियर किसी पॉइंट पर, यानी कि आपको लिमिट चेक करनी है और फॉर्मूला आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यू कैन अंडरस्टैंड आल्सो दिस, दिस इज ए वन टाइप ऑफ द न्यू फंक्शन, यू कैन से दिस इज अ जी, ओके इसी की तो लिमिट चेक करनी है ना आपको, सो दैट इज अ थिंग, बिल्कुल इसको एक फंक्शन मान के चलिएगा, हमें एफ ए प्लस एच निकाल लिया, माइनस एफ ए निकाल लिया, अब जैसे पहले निकालते थे वही अलग पाथ वगैरह हमें करना है।
तो चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं. व्हाट इज दिस नेफिडेशन? नेक्स्ट डेफिनेशन इज एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन, सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, ओके. हमने मान लिया एक हमारे पास फंक्शन है और वो फंक्शन सिंगल वैल्यू है. लेट एफ जेड, सो मुझे जरूरत नहीं है इसको लिखने की कि एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. ये चलिए लिख देता हूं मैं हल्का सा. लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन डोमेन डी. कोई डोमेन डी था, ठीक है. देन एफ जेड इज सेड टू बी, देन fz is said to be analytic. Then fz is said to be analytic at the point, at a point z is equal to a if there exists a neighborhood there exists a neighborhood mod of z minus a less than delta at all points of which derivative exists. F dash z exist. What is the meaning of these things? Notice कीजिए. अभी हम derivative की definition जानते थे और मैंने आपको roughly भी बता दिया कि analytic का मतलब होता है उस function उस point पे defined हो, उसके neighborhood में के हर एक point पे defined हो. So let us consider जिसमें मैं बात कर रहा था, कोई point A है मेरे पास. This is my z plane और xy plane. This is the point A. This is my कोई some point A है मेरे पास. इस पॉइंट को मैं चेक करना चाहता हूँ कि फंक्शन मेरा इस पॉइंट पे आपका जो है एनालिटिक है. सो देखिए पहले बात तो ये प्रॉपर्टी डोमेन की होती है, क्योंकि हम क्यों कहते हैं डोमेन की, क्योंकि इस पॉइंट का हमें नेबरहुड सबसे पहले सर्च करना होगा. कि इसने क्या कहा आपको, द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड. ऑब्वियसली नेबरहुड एग्जिस्ट हो जाएगा. क्या सेंटर ए मानते हुए मैंने स्मॉल रेडियस डेल्टा का एक ओपन डिस्क बना लिया. ओके, दिस इज माई ओपन डिस्क. ओके ना, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस ओपन डिस्क के अंदर. दे आर लॉट ऑफ द पॉइंट्स हियर. सो उन सारे पॉइंट्स पे भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, तब हम बोलते हैं कि मेरा फंक्शन जो है ये एनालिटिक है. जो इन पॉइंट होते हैं, जो ये पॉइंट है जिन पे फंक्शन हम कह रहे हैं कि डेरिवेबल है और नेबरहुड डेरिवेबल है, इन पॉइंटों को बोला जाता है रेगुलर पॉइंट. और फंक्शन एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन भी कह देते हैं. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा. So that means the meaning of this one is simply this one, कि हमारे पास एक open disk है delta radius की. ठीक है, so इस point पे भी differentiable है. इनके जो और points आए हैं यहाँ पर, मैं कहूँ कि p1, p2, pn जितने भी neighborhood में points हैं उन सब पे भी ये differentiable है, तब मैं बोलता हूँ कि मेरा function जो है analytic है. ठीक है ना, so this is the thing जो कि हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए. So लिख लीजिएगा एक और बात. If f dash z exist at every point of domain except at a finite number of exceptional points then fz is said to be
analytic, then FZ is said to be analytic. कैसे analytic? In D and is referred to as analytic function. तो इसको जरूरत नहीं यहां लिखने की. And is referred to as an analytic function. These exceptional point, these exceptional point are called singular point or called singular point or singularity of the function or singularity of the function. ठीक है. और वो पॉइंट जिन पे ये एनालिटिक था उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर पॉइंट. ओके, ये भी लिख लीजिएगा. एक पॉइंट ही हो गया हमारे पास, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? नोटिस दिस. द पॉइंट इज दैट इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट at every point of domain D, then we say FZ is regular. Then we say FZ is regular in domain D. और जो पॉइंट है वो कहलाते हैं, and the points are called the regular points. And the points are called irregular point. So यहां आपको regular point बताने का क्या कारण था? देखिए, काफी बार exam में ऐसा हुआ है कि function fz कहलाता है, आपका पूछ लेगा आपसे कि भाई एनालिटिक फंक्शन ना पूछ के पूछेगा आपसे कि रेगुलर फंक्शन बता दीजिए. तो उसका मतलब भी यही होता है, एनालिटिक फंक्शन को हो या आपको हो रेगुलर फंक्शन. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है. जिन पॉइंट टू पे मेरा फंक्शन आपका जो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हुआ है उन पॉइंटों को हमने रेगुलर पॉइंट कहा, और अगर सब पे पॉइंटों पे हो रहा था तो उन सभी फंक्शन को हमने बोल दिया कि हमारा फंक्शन रेगुलर फंक्शन है. सो दैट मीन्स दैट वॉज द कंसेप्ट बिहाइंड द एनालिटिक फंक्शन. तो चलिए, हमें सिंगुलर पॉइंट का भी मालूम हो गया. सिंगुलर पॉइंट क्या था? जिन पॉइंटों पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था, ठीक है, उन पॉइंटों को हमने बोल दिया था कि ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट बन रहे हैं. तो सिंगुलर पॉइंट की भी डेफिनेशन आ गई है. सो मैं फिर भी लिखवा देता हूँ आपको फॉर्मल डेफिनेशन, सो दैट विल बी रिमेम्बर टू यू. लिखिएगा, सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? लिखिएगा, ए पॉइंट, I will use the another color so that will be clear to you. A point z is equal to z naught, or simply a point z naught is said to be a singular point singular point of a function fz if f dash z naught does not exist. That means डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जिन पॉइंटों पे, उन पॉइंटों को हमने कहा कि ये हमारे सिंगुलर पॉइंट है. तो सर, क्या हमें हर बार चेक करना होगा? क्या हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए और एनालिटिसिटी चेक करने के लिए? तो अश्वरोया नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है बार बार कि भाई हम चेक करें कि हमारा फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसके लिए हम लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जे ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच मा का वाला फॉर्मूला देखें और देखें कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही नहीं.
बहुत सारे और भी अदर वेज होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक वे है कि हम सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, कुछ कंडीशंस भी हैं साथ साथ इम्प्लीमेंटेड, उनको भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं सी आर इक्वेशन को, सी आर इक्वेशन क्या होती है। सो लिखिएगा कॉशी रीमान इक्वेशन। सो कॉशी रीमान इक्वेशन, सो कॉशी रीमान इक्वेशंस इसके अंदर क्या है इसके बारे में लिखिएगा, और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है। भाई ये एनालिटिक के लिए आपको नेसेसरी कंडीशन देगी, फिर सफिशिएंसी की भी बात करती है, कैसे कैसे लिखिएगा। ए नेसेसरी कंडीशन दैट ए अननेसेसरी कंडीशन दैट ए नेसेसरी कंडीशन दैट W is equal to, आप जानते ही हैं W की वैल्यू fz होती है, W is equal to fz, और fz को हम कैसे लिख सकते हैं u x y, यानी कि u भी फंक्शन है टू वेरिएबल का और v is also the function of the two variable, so हम इसको कैसे लिख सकते हैं fz is equal to u plus iv, so this is the way to write this one. B a analytic in a domain D, in a domain D is that U and V satisfy, U and V, यानी कि U भी और V भी दोनों, okay, U and V satisfy CR equation, यानी कि Cauchy-Riemann equation. तो सर आपने ये तो बताया नहीं अभी कॉची-रीमान इक्वेशन क्या है, हमने अभी आपको क्या बताया नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करें किसी फंक्शन एफ जेड के लिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो एनालिटिक हो, तो वो है कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम सी आर इक्वेशन के बारे में जानते हैं, इसको कैसे लिख सकते हो आप सी आर इक्वेशन, समटाइम्स सी आर कंडीशन भी बोल दिया जाता है इनको, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। क्या है आप लिखिएगा del u by del x is equal to del v by del y and लिख रहा हूं मैं साथ साथ आपके del u by del y is equal to minus time del v by del x at every point of domain. Exactly what I am doing? मेरे पास क्या है? मैंने CR equations की बात की। Unnecessary condition है हमारे पास किसी भी function fz के लिए to be analytic। यानी कि अगर ये fail हो गई, necessary condition का मतलब है कि अगर ये fail हो गई, तो आपको क्या फायदा होगा? आप directly बोल पाओगे कि function मेरा analytic नहीं है। कोई भी function मेरे पास fz है, उसके लिए कि ये फंक्शन मेरा एनालिटिक हो जाएगा, ये नेसेसरी कंडीशन है, और वो नेसेसरी कंडीशन क्या है सी आर इक्वेशन, इसको बोलते हैं भाई हम सी आर इक्वेशन, ठीक है ना। सो दीज आर माई सी आर इक्वेशन दैट शुड होल्ड एट एवरी पॉइंट, दैट इज अ थिंग हियर। सो क्लियर हो गई हमें सी आर इक्वेशन भी। यू एक्स सिंपली मैं कहूँ तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है आपका जो है एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, यानी कि रियल एक्स साइड इमेजिनरी एक्स साइड, और ये कंडीशंस बना के दी गई हैं आपको, ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है आपको सी आर इक्वेशंस, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं ये मेरे कोई कंटिन्यूस फंक्शन हो, सो मेरे पास यही नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंसी की तरफ अप्रोच हो जाती है, और हम बोल देते हैं कि जो मेरा फंक्शन एफ जेड है दिस इज एनालिटिक, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं साथ साथ ही नीचे इफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स are also continuous
if the partial derivatives are also continuous, then CR equations are sufficient condition. For the function fz to be analytic in domain D, So क्या मतलब हुआ? अगर आप कभी भी इसका यूज कर रहे हो, देखो हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ जेड था, फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर था, और मैं चेक करने लगूं उसको कि देखो भाई वो एनालिटिक है नहीं है, चलिए एग्जाम्पल ले ही लेते हैं इसका, ठीक है तब हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, मैंने मान लिया लेट एफ जेड इज इक्वल टू, सबसे ट्रीवियल एग्जाम्पल लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू जेड, सिंपल है. ओके, जेड और एफ जेड दोनों को आप सबसे पहले लिखिएगा, बिकॉज मुझे क्या चेक करना है इसका एनालिटिसिटी. एनालिटिसिटी के लिए मैंने क्या कहा आपको, सीआर इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, तो कैसे लेते हैं इसको भी देख लेते हैं. सो एफ जेड इज इक्वल टू, मैंने जेड लग दिया, एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, यू प्लस आई वी, दैट मीन्स यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, दिस इज इक्वल टू वट, इसको जेड को भी देख लीजिए, एक्स प्लस आई वाई. So if I will compare the real and imaginary part after comparison, so just separate kar dijiyega real and imaginary part isse. So what you will get, u x comma y is equal to x, and v x comma y is equal to y. ठीक है, इतना छोटा सा एग्जांपल लिया हमने और हमें चेक करना था जेड को. अब आप हर एक कोई भी आपके पास फंक्शन है, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने थे, जस्ट आपने सेपरेट कर दिए हैं. यहाँ पर यू आर जस्ट डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ यू रियल पार्ट एंड द वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी पार्ट डी. आफ्टर दैट हमारे पास क्या इक्वेशंस थी, नेसेसरी कंडीशन सीआर इक्वेशंस क्या है, सीआर इक्वेशंस क्या कहती है आपको, मैं ऐसे शॉर्टली लिख रहा हूँ, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, दीज आर द सीआर इक्वेशंस हमारे पास जो है. So, इसका हमें यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्टली इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा, इसको वन और इसको मैंने टू मान लिया. सो व्हाट वी आर गेटिंग, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड यू ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली यहां से क्या मिलेगा मुझे, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी ऑफ वाई इज इक्वल टू वन. ओके, बाय द कंडीशन जो मेरे पास कंडीशन दी हुई है, आप देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या दी है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई. सो यू एक्स आपके पास ये है और वी वाई ये है, राइट, देन व्हाट हैपन, बोथ आर इक्वल, दिस इंप्लाइज यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है ना. सो यानी कि आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाई, और व्हाट अबाउट द अनदर वन, दूसरे में कहा गया हमें यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, सो यू वाई दिस जीरो दिस जीरो, सो दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो, there is no problem, that means that is also called here. So means u aapke paas aa gaya, u y is equal to minus v x, so isse bhi problem nahi hua. Implies kya ho gaya aapke paas, jo cr equation hai hamare paas, that satisfy. अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो अभी हम कुछ भी गणना नहीं कर सकते कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है. लेकिन अगर ये फेल हो जाती तो हम गारंटी कर सकते थे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता. तो इससे हमें क्या फायदा मिला है, हमें इससे क्लियरली फायदा मिल गया है कि जो हमारा फंक्शन है वो अभी एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो इस नेसेसरी कंडीशन को सफिशिएंट बनाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन आई, वो क्या कंडीशन थी, इस कंडीशन में हमने बोला कि अगर हमारा फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स जो आए हैं, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो नोटिस कीजिए क्या क्या है आपके पास, पार्शियल हेयर, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कौन कौन से हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वन एक कांस्टेंट फंक्शन है, सो क्या है, कंटिन्यूअस है, वी एक्स इज इक्वल टू जीरो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, यू वाई इज इक्वल टू जीरो कंटिन्यूअस and vy is equal to 1, that means a constant function, all are continuous. So yani ki yahi necessary condition, jaise hi partial derivatives mein continuous ho gaye, to ab hum kya keh sakte hain, dekh pakka mil gaya aapko ki this implies that the function fz is
एनालिटिक। सो हमें क्या क्लियर हो गया, हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात पता लग गई भाई हमें, अब हमारे पास कोई भी फंक्शन हो तो हम उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि वाकई में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली हमें ये देखना है। सो लेट अस कंसीडर द अनदर एग्जांपल, ठीक है। सो लेट f ऑफ z इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर। धीमे धीमे हार्ड करेंगे अपनी सिचुएशन को, ठीक है ना। सो f z इज इक्वल टू z स्क्वायर। सो अभी सर ने क्या बताया था, f z को हमें u plus iv की फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू जस्ट सेपरेट दिस वन, कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख दीजिए, इधर से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दीजिए। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम लिखेंगे इसको क्या आएगा, u x y plus i v x y एंड दैट विल बी x plus i y होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x y i, दिस इज द वैल्यू। सो हमें ये पता लग गया, तो हम क्यों ना आप अलग अलग कर दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u x comma y इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड v x comma y इज इक्वल टू व्हाट, 2x y। दिस इज द आपके पास वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ v। वापस CR इक्वेशन लगाना है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालिएगा, ux इज इक्वल टू व्हाट, 2x and uy is equal to minus 2y. In the similar fashion, I am going to find out the derivative. Vx is equal to what? Vx is equal to 2y and vy is equal to 2x. यही तो मिले ना मुझे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, हमें क्या देखना है, CR equations क्या है हमारे पास। CR equations कहती है ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. That's we have to, हमें इसको देखने चेक करना है सिर्फ। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास सिंपल सिंपल सा वे पड़ा हुआ है, क्या है आप नोटिस कर सकते हैं, बोथ वैल्यूज आर इक्वल हियर, ओके। और यहाँ पर क्या हुआ, दीज आर ऑल्सो ux is equal to minus time of दो, ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन अभी हम गारंटी नहीं कर सकते कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, बट हमें ये कंफर्म हो गया है कि ये हमारी CR इक्वेशन को, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। सफिशिएंसी के लिए हमें देखना होगा इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आपके पास, यू एक्स इज इक्वल टू 2x, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, uy is equal to minus 2y, this is also the polynomial function, continuous, vx is equal to 2y, also continuous, and vy is also is equal to 2x, the function is also continuous. So what happened with this thing, you can notice here. हमारे पास क्या सिचुएशन हुई, हमने यहाँ पर लिख दिया कि ux is equal to this, uy is equal to this, vx is equal to this, vy is equal to this, सारे partial derivatives continuous है. What happened, इसका मतलब partial derivatives are continuous. This implies आपके पास function कैसा हो गया, function is analytic. Okay, तो function कैसा बन गया हमारे पास, function बन गया हमारे पास analytic. तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई जी। मीन्स क्या हुआ, आपके पास एक जनरल रिजल्ट भी आया, कोई भी मेरे पास ऐसा फंक्शन जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन इन डिग्री का फंक्शन है, सो दिस मीन्स एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन their domain. So what exactly we have to search? I have to just find out their domain. So that means ab mere paas polynomial kya hota hai, this is a of the form a n z ki power n plus a n minus 1 z ki power n minus 1 plus dot 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 plus a naught. So a n is not equal to 0 is called the n-degree polynomial. So what happened with this one? ऐसा कोई भी polynomial मुझे मिलेगा तो मैं simply बोल सकता हूँ the function is analytic.
एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं मैं आपको यहाँ पर। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन ऐसा है, क्या ऐसा फंक्शन कि दिख रहा है मुझे, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू। सो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, दिस इज द फंक्शन हियर, यस, आप इसको नोटिस कीजिए। अगर मैं इसका एफ डैश जेड निकालूं तो सिंपली क्या आने वाला है, टू जेड। आप निकाल सकते थे ना, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसे भी हम देख लेते हैं। बट दिस इज नॉट द प्रोसेस, दिस कॉल्ड द रफ वे, ठीक है ना। तो रफली हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर कहीं हमें प्रूव करना हो तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज इट डेफिनेशन, और डेफिनेशन को फॉलो करते हुए करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बात की हमने किस किस की, हमने बात की कि हमारा एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हमने बात की डेरिवेटिव क्या होता है, हमने ये भी बात की सिंगल पॉइंट क्या होता है, हमने ये भी बात की कि रेगुलर पॉइंट क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि कैसे हम इसको चेक करते हैं, कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, क्या है वो, चलिए देखते हैं, कंजुगेट फंक्शन। कंजुगेट फंक्शन क्या होते हैं, नोटिस कीजिए भाई, ये नाम आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें जरूरी होता है इनका पता रहना कि क्या है। सो लिख लीजिएगा कंजुगेट फंक्शन। सो कंजुगेट फंक्शन से यहां पर क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, पहले ये एनालिटिक इज एनालिटिक, एंड इफ पहली कंडीशन क्या आ गई, मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, एंड इफ यू एंड वी सेटिस्फाई, इफ यू यानी कि रियल पार्ट एंड वी यानी कि इमेजिनरी पार्ट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। सही, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, यू कैन राइट इसको, इसे ट्रायंगल बनाइएगा नीचे को, दैट मीन्स डेल ऑफ आपके पास जो भी फंक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो दैट मीन्स यू के रेस्पेक्ट में यू और वी के रेस्पेक्ट में वी इज इक्वल टू जीरो, देन यू एंड वी आर कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन और कंजुगेट सिंपली, ठीक है, कंजुगेट फंक्शन। So, क्या मतलब निकला, अगर मेरे पास फंक्शन एनालिटिक था और मैंने चेक किया मेरा जो आपका कह सकते हैं रियल पार्ट को लिया, मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट मीन्स वी आर गेटिंग इज इक्वल टू जीरो। सो दिस मीन्स सिंपली द मेरा, और वी मैंने भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, तो बोलता हूँ कि हाँ भाई यू और वी दूसरे के कंजुगेट है और हार्मोनिक कंजुगेट है। ऐसा पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी, ठीक है, एफ जेड दे देगा, तो यू देकर के यहाँ पूछ लेगा आपसे कि इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन हार्मोनिक कंजुगेट की और कंजुगेट की। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोनिक फंक्शन की भी, ठीक है। सो क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, तो भाई हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, इसे भी लिखिएगा, ए फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई, कोई भी मैंने एक ले लिया है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ए फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ
फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, ये फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू आर कंटिन्यूअस and satisfied, and you satisfy to the Laplace equation, to the Laplace equation. That means simply del 2u is equal to 0. So what happened? मेरे पास यहाँ पर क्या situation बनी? So अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव तो मेरे कंटिन्यूअस होने चाहिए, लेकिन यू मेरा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो देन वी से कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन यू जो है हार्मोनिक फंक्शन है. लेकिन आप पहले वाले में देखेंगे हमने क्या बात की थी, कंजुगेट फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट की. इसमें हमने क्या कहा था, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए. फंक्शन के ऊपर हमने कंडीशन डाल दी थी ऊपर, लेकिन यहाँ के ऊपर हमने फंक्शन के ऊपर कंडीशन नहीं दी है. हो सकता है सिंपली एक आपको यू दे दे या वी दे दे सिंपली, ठीक है. सो उसके बाद पूछ लेगी क्या ये हार्मोनिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ हार्मोनिक फंक्शन. तो आपको क्या चेक करना होगा, उसको सिर्फ डेरिवेटिव निकालने हैं. फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालिएगा और देखिएगा सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है. अगर फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है. हम सिर्फ इसको लिख देंगे कि भाई हाँ, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, ठीक है ना. सो दैट वाज अ थिंग हियर. सो चलिए इसको यहाँ पर हम कैपिटल वी भी लिख सकते हैं. दिस इज अ थिंग. सो इट सैटिस्फाई टू द लाप्लास इक्वेशन. तो भाई आज के लिए मुझे लगता है ये कि हमने जो डिस्कस किया मेथड आप समझने की कोशिश कीजिए. फिर हम बात करेंगे अदर, जैसे कि हमने अभी नजरी कंडीशन की बात की, सीआर इक्वेशंस की. फिर हम इसकी पोलर फॉर्म की भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. और कैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का, वो भी आपको बताया जाएगा. और बहुत सारी की पॉइंट्स जो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट होते हैं, और डायरेक्टली हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने कहा जाए तो ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. सो चलिए आप लोग जो है देखते रहिए सभी वीडियोस को, और वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट चैनल पे जितनी वीडियोस हैं उन्हें एक्सेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है. और सब्सक्रिप्शन के लिए, प्लस क्लासेस के लिए, जिसमें बता चुका हूँ क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं सीएसआईआर के, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. 24 मंथ, 12 मंथ, दोनों में से कोई भी, दैट विल गिव यू अ फुल बेनिफिट. इफ यू आर फॉलोइंग मी डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, ठीक है ना. तो चलिए ध्यान रखिएगा आज के लिए. It's nine. Thanks for watching the video.